हेलो भाई, इस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि जब आप स्ट्रीमिंग करते हैं ओबीएस यूज़ करके या कभी रिकॉर्डिंग करते हैं ओबीएस यूज़ करके, तो उस टाइम गेम प्ले में कितने एफपीएस ड्रॉप होते हैं, तो वही हम चेक करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक ये देखें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो सुनाए वीडियो को लाइक कर देना यार, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके लैपटॉप या पीसी में डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि स्पेक्स के ऊपर भी मैटर करता है। तो मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप है जिसके अंदर राइजन 5 है, 6 कोर वाला सीपीयू है एंड 1650 Ti ग्राफिक कार्ड है। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग के टाइम चेक करेंगे कि ओबीएस जब हम गेम प्ले रिकॉर्ड करते हैं तो कितने एफपीएस कम होते हैं। तो पहले खाली ओबीएस ऑन करते हैं, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करते, पहले एवरेज एफपीएस निकाल लेते हैं कि नॉर्मली कितने आते हैं, तभी कंपेयर हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे बेंचमार्क स्टार्ट कर रहा हूँ, साइड बाई साइड मैं नोटबुक पे नोट करता जाऊंगा एवरेज एफपीएस। तो यहाँ पे मैंने बेंचमार्क स्टार्ट किए हैं, तो एवरेज एफपीएस पहले नॉर्मल के नोट कर लेंगे, फिर बाद में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके नोट करेंगे, फिर बाद में स्ट्रीमिंग स्टार्ट करके नोट करेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो के एंड तक ये देखना। एंड राइजन कंट्रोलर में यूज़ नहीं कर रहा, डिफॉल्ट ही सब कुछ है। एंड वीडियो के अंदर आप फैन की नॉइज़ को यार इतना जज ना किया करो, क्योंकि कमरे का भी सीलिंग फैन चल रहा होता है, तो 3 की स्पीड पर भी चल रहा है। तो गेम की जो सेटिंग्स है वो हाई सेटिंग्स पे हैं, तो देखते हैं कितना एवरेज आता है एफपीएस। एंड लैपटॉप का मोड टर्बो मोड पे था, तो भाई 59 ही एवरेज आए हैं हर बार की तरह, 59 एवरेज। चलो नोट कर लेते हैं नोटबुक पे। चलो मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट, पहले इसका होम पेज ले आता हूँ। तो ये बेंचमार्क के ऑप्शन, तो मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको मेरी रिकॉर्डिंग वाली सेटिंग्स देखनी है क्या मैं यूज़ करता हूँ, ऐसे 1080p 60fps पर रिकॉर्ड करता हूँ मैं, तो सेटिंग्स देखनी है तो आप कल वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने कैसे स्ट्रीम करनी है OBS का ट्यूटोरियल बनाया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कौन कौन सी सेटिंग्स है मेरी। तो ये अब रिकॉर्डिंग साइड बाय साइड हो रही है OBS से, तो देखते हैं कितने FPS कम मिलते हैं हमें एवरेज, फर्क तो पड़ता है वैसे, तो मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, देखते हैं कितने कम आते हैं FPS। मैं खाली एवरेज वाले नोट करूंगा, बाकी आप मैक्स मिनिमम आप खुद ही देख लेना। फिफ्टी सिक्स आए हैं, मतलब पड़ा पहले थे 59, तो मतलब 3 FPS का फर्क पड़ा ना, 56, 57, 58, 59, तो 3 FPS का खाली फर्क पड़ा है। तो अगर आप OBS से रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर आपकी मिलती जुलती स्पेक्स हैं मेरे लैपटॉप के हिसाब से, मतलब मेरे लैपटॉप से मिलती जुलती स्पेक्स हैं, तो आपके खाली 3 FPS ड्रॉप होंगे अगर आप कोई गेम प्ले रिकॉर्ड करते हैं OBS से। तो अब आ रही है स्ट्रीमिंग की, ठीक है, तो अब हम स्ट्रीमिंग ऑन करता हूँ मैं। पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने रिकॉर्ड किया है इसको। तो ये रिकॉर्ड हो गया सभी पूरा बेंचमार्क। तो अब मैं अपना स्ट्रीमिंग स्टार्ट करता हूँ, आपको मैं दिखाता भी हूँ, साइड बाई साइड की स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखो गाइस, मैंने अपना डैशबोर्ड खोल लिया है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग मैंने अनलिस्टेड रखी है ताकि नोटिफिकेशन फिर ना चले जाएं। तो यहाँ पे देखो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है, अभी ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्योंकि गेम मिनिमाइज है ना। तो ये स्टार्ट हो चुकी है लाइव स्ट्रीम, एंड वही सेटिंग्स हैं जो मैं कल की वीडियो में आपको मैंने दिखाई थी। तो देखो गेम भी शो होने लग गई, तो अब मैं इसे क्रोम को बंद कर देता हूँ, नहीं तो क्रोम भी यूज़ करेगा। तो अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ बेंचमार्क,
कंपेयर करेंगे 59 से ही, तो नॉर्मली 59 आए थे, रिकॉर्डिंग से 56 हो गए थे, एंड अब स्ट्रीमिंग से देखते हैं कितने कम होते हैं। तो अब बैकग्राउंड में स्ट्रीमिंग चल रही है, देखते हैं कितने एवरेज FPS आते हैं। नॉर्मली थे 59, वाइल रिकॉर्डिंग 56, 3 FPS ड्रॉप हुए थे। एंड स्ट्रीम पे देखते हैं कितने FPS ड्रॉप होते हैं एवरेज। साल के अंदर भी 56, इसका रीज़न मैं आपको मैं बताता हूँ कि दोनों के सेम क्यों आए हैं, 57 हो गए, एक बढ़ गया उल्टा। तो रिकॉर्डिंग के टाइम आए थे 56, स्ट्रीमिंग के टाइम आ गए 57, तो समझ लो सेम ही हुए। तो 3-4 FPS का खाली, मतलब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो स्ट्रीमिंग एंड वाइल रिकॉर्डिंग, मतलब इकट्ठे दोनों नहीं, अलग अलग दोनों करोगे रिकॉर्डिंग या कभी स्ट्रीमिंग करोगे तो आपको खाली 3-4 FPS का ड्रॉप देखने को मिलेगा। एंड ये मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में सेम FPS क्यों आए हैं, स्ट्रीमिंग एंड एंड रिकॉर्डिंग में, बिकॉज दोनों का इनकोडर मैंने डेडिकेटेड GPU किया था, मतलब एनवीडिया ग्राफिक कार्ड जो है ना, मतलब दोनों की सेटिंग्स मैंने इनकोडिंग भी, रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग की डेडिकेटेड GPU रखी थी। तो उम्मीद है कि यार वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो उसी बात पे लाइक कर देना यार, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।